हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ख्याति का पुस्तकों में किस प्रकार से लेखा किया जाए इसको काफ़ी विस्तार से समझा है और उससे संबंधित जो विभिन्न परिस्थितियां हैं उनसे संबंधित सारी प्रविष्टियां हम लोगों ने गत वीडियो में देखी। आज की इस वीडियो में उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी मैंने आज की इस वीडियो में लिए हैं, सबको सोल्व करके बताया है। तो आप लोगों को एग्जामिनेशन में इसी क्रम में, इसी प्रारूप में आप लोगों को कौन सा अपनी प्रेजेंटेशन देनी होगी। तो चालू करें आज की ये वीडियो, देखें सबसे पहला प्रश्न किस प्रकार से अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे कह रखा है कि ए बी 2:1 के अनुपात में साझेदार हैं, वे सी को 1/6 हिस्से के लिए व्यापार में शामिल करते हैं। सी अपने हिस्से की पूंजी 60,000 रुपए और अपने हिस्से की ख्याति 15,000 रुपए नगद में लेकर आता है। नया साझेदार पूंजी की राशि, ख्याति की राशि नगद ला रहा है। बी ख्याति में अपना हिस्सा फर्म से निकाल कर ले जाता है, ये प्रश्न में आपको सूचना दे रखी है। इसके साथ साथ आपको कह रखा है कि सी के प्रवेश की तिथि को फर्म की पुस्तकों में ख्याति खाता कितने रुपए से खुला हुआ है, 30,000 रुपए से। इसके बारे में आपको मैंने काफी विस्तार से समझाया हुआ है कि पुस्तकों में अगर ख्याति खाता संपत्ति पक्ष में दिखा रखा है तो इसका अभिप्राय यह है कि ये क्रय की गई ख्याति है, क्योंकि ख्याति पुस्तकों में हम तभी दर्शाएंगे जब वो खरीदी गई हो। तो ये क्रय की गई ख्याति है। इस ख्याति को जब भी लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो, नए साझेदार का प्रवेश हो, तो इस पुराने ख्याति खाते को तुरंत बंद कर दिया जाता है। इसकी आपको ये ट्रीटमेंट करनी है। किस प्रकार से पूरे क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे जरा देखें। सबसे पहले आपको जनरल एंट्रियां जनरल के प्रारूप में देनी है। जनरल का फॉर्मेट, जनरल संबंधी नियम आप लोगों को पता है। सबसे पहली एंट्री करें, सी अपने हिस्से की पूंजी व्यापार में जो नगद लेकर आया है 60,000 रुपए, उसकी नगद एंट्री हो जाएगी। तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, व्यापार में कैश आ रहा है। सी पूंजी के रूप में 40,000 और ख्याति के रूप में कितने ला रहा है, 15,000 रुपए। ख्याति की रकम को यहां पर आय इनकम के रूप में अपन ने रिसीव किया है, इसलिए इस आय खाते को अपन ने क्या किया है, क्रेडिट किया है। इस नए साझेदार की ख्याति की राशि उन साझेदारों को मिलेगी जिन्होंने त्याग किया। इस प्रश्न में कोई स्पष्ट सूचना नहीं है कि सी अपना 1/6 हिस्सा इन पुराने पार्टनर्स में से किससे लेगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने यह माना कि ए और बी अपने पुराने अनुपात में ही त्याग करेंगे, इसलिए जो सी के द्वारा लाई गई ख्याति की रकम है वो ए और बी में उनके पुराने अनुपात 2:1 में हम बांट देंगे, ये मानते हुए कि वो इसी अनुपात में त्याग कर रहे हैं। तो सूचना के अभाव में आप लोगों को ऐसा मानते हुए ख्याति की रकम पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट देनी है, वही त्याग का अनुपात होगा। अब इस प्रश्न के अंदर आपसे कहा था कि बी ख्याति का अपना हिस्सा फर्म से निकाल कर ले गया। बी को यहां पर ख्याति में कितने रुपए मिले हैं, 5,000 रुपए की बी को ख्याति की राशि मिली है, तो वो अपना हिस्सा व्यापार से निकाल कर ले गया। तो बी प्राप्त करने वाला है, इसलिए बी कैपिटल अकाउंट डेबिट किया और व्यापार से क्या गया, नगद यानी कैश अकाउंट गया, इसलिए कैश अकाउंट को हम लोगों ने क्रेडिट किया है। इसके बाद लेजर को हम टोटल लगाएंगे, बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करें नेक्स्ट पेज पर। ये सब चीजें आपने 11th के अंदर पढ़ी है। तो यहां एक और एंट्री अपन को करनी है, क्योंकि प्रश्न में एक बात और के रखी है कि पुस्तकों में ख्याति खाता कितने से खुला हुआ है। ये पुराना ख्याति खाता है 30,000 रुपए से। तो जब भी आप पुस्तकों में ख्याति खाता विद्यमान हो तो उसके संदर्भ में आपको ये बताया हो कि किसी भी परिस्थिति में जब ख्याति संबंधी लेखा करें तो पुराना ख्याति खाता तुरंत बंद कर दें। और इस खाते को बंद करने के लिए क्या होगा, ख्याति संपत्ति का डेबिट बैलेंस होता है, बंद करने के लिए ख्याति खाते को तो क्रेडिट करेंगे, और कौन सा खाता आपके डेबिट हो जाएगा, पुराने पार्टनर्स अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और पुराने पार्टनर्स में किस अनुपात में बटेगी, ये इनके पुराने अनुपात में। तो पुस्तकों में अगर पुरानी ख्याति खाता दे रखा है, ये संपत्ति के रूप में है, खरीदी भी ख्याति है, इसे पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटकर हम लोग बंद कर देते हैं, चाहे कोई सी भी परिस्थिति हो, चाहे लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो, चाहे नए पार्टनर्स का प्रवेश हो, चाहे कोई पार्टनर रिटायर हो रहा हो, किसी की मृत्यु हो जाए, तो ऐसी दशाओं में पुराना ख्याति खाता सबसे पहले अपन बंद कर देते हैं।
तो ये पुस्तकों में दिया हुआ ख्याति खाता हम क्या कर देंगे, पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशों में बांटकर बंद कर दिया। तो इस प्रकार से आपको ये जनरल प्रविष्टियां ख्याति से संबंधित करनी है। एक प्रश्न और देखते हैं। सेकंड प्रश्न में आपसे क्या कह रखा है कि ए बी 3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं, सी 1/5 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश करता है और सी अपना पूरा हिस्सा किससे प्राप्त करता है, ए से। तो यहां पर त्याग केवल ए कर रहा है, बी ने कोई त्याग नहीं किया है, तो इसका मतलब सी के द्वारा लाई गई ख्याति की रकम केवल किसको मिलेगी, ए को। ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सी पूंजी के रूप में 50,000 रुपए और ख्याति 10,000 रुपए क्या लेता है, नगद लेकर आता है। तो सी अपनी ख्याति और पूंजी दोनों नगद में ला रहा है। जनरल प्रविष्टि बनाएंगे, जनरल का प्रारूप बनाएं, सबसे पहले नगद पूंजी और ख्याति को लाने की एंट्री कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। ये नगद ख्याति लाया है। सी का ख्याति की जो रकम वो लाया वो किसे मिलेगी, त्याग करने वाले साझेदार को, और यहां पर त्याग कौन कर रहा है, केवल ए कर रहा है, इसलिए ख्याति की राशि पूरे 10,000 रुपए किसे प्राप्त होगी, ए को। एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। अब बात आ रही कि इस प्रश्न में पुराना ख्याति खाता दे रखा है 25,000 से, तो इसके बारे में अभी मैंने आपको समझाया कि जब भी पुराना ख्याति खाता दिया हो पुराने साझेदारों में उनके पुराने अनुपात में बांट दें। इसका डेबिट बैलेंस होगा क्योंकि चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिया हुआ रहता है, तो इसका डेबिट बैलेंस है, बंद करने के लिए इसको क्रेडिट करेंगे और पुराना आपके जो पार्टनर्स हैं उनको डेबिट कर दिया जाएगा उनके पुराने अनुपात 3:2 में। तो इस प्रकार से 25,000 रुपए की राशि 3:2 के अनुपात में हम लोग बांट देंगे। तो जनरल प्रविष्टि करने के लिए कहा था, जनरल प्रविष्टियां करनी है। 3 नंबर का प्रश्न ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है। अब एक और प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री में कहा है कि ए बी एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभों को बांटते हुए साझेदार हैं, वे सी को लाभों के 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं, सी के प्रवेश की तिथि को फर्म की ख्याति 25,000 रुपए मूल्यांकित की गई, सी अपनी पूंजी व ख्याति के लिए निम्न संपत्तियों का योगदान दिया है, देनदार 10,000 रुपए, स्टॉक 15,000 रुपए। आपसे कह रखा है कि आवश्यक जनरल प्रविष्टियां दीजिए। देखो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। सी फर्म में नए पार्टनर्स के रूप में आ रहा है, ये प्रश्न में आपको कह रखा है। सी के प्रवेश के समय फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 25,000 रुपए किया, ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, और आपको ये कह रखा है कि सी अपनी कैपिटल और पूंजी सम्मिलित तौर पर संपत्ति के रूप में ला रहा है, न कि नगद के रूप में। पूंजी और ख्याति का मूल्य उसने संपत्तियों के रूप में दिया, और आपको ना तो पूंजी का मूल्य दिया है ना ख्याति का मूल्य दिया है। प्रश्न आ रहा है कि उसने कुल कितना रुपया दिया, ये देखें, देनदार के रूप में 10,000 दिए, संपत्ति के रूप में स्टॉक के रूप में 15,000 रुपए दिए। तो इसका मतलब सी से कुल रकम कितनी प्राप्त हुई हमारे को, 25,000 रुपए की प्राप्ति हुई। एक पॉइंट तो आपको यह पकड़ना है। दूसरी अपन बात करें कि इसमें पूंजी की रकम कितनी, ख्याति की रकम कितनी, तो इसके लिए अपन को आपको एक ये सूचना दे रखी है, फर्म की ख्याति का मूल्य 25,000 क्यों दिया है, ताकि हम लोग इस ख्याति में सी का हिस्सा 1/5 निकाल लें, ताकि सी की ख्याति की रकम हमें प्राप्त हो जाए। 25,000 का 1/5 कितना हो जाएगा, 5,000 रुपए सी का ख्याति में हिस्सा निकल जाएगा, और जब सी का ख्याति में हिस्सा निकल गया तो फिर पूंजी भी निकल जाएगी। पूंजी कितने रुपए निकलेगी, कुल रकम कितनी इसने भुगतान करी, 25,000 की ख्याति, तो 20,000 रुपए किस चीज के मानेंगे, पूंजी के। तो आपने देखो ख्याति में आपके कौन सा, फर्म की ख्याति में उसका हिस्सा अपन ने निकाला 5,000 रुपए, और एंट्री क्या हो जाएगी, दो संपत्तियां ये व्यापार में ला रहा है, तो कैश की बजाय संपत्ति खाता अपन डेबिट करेंगे 10,000 15,000 से। कुल कितने आपके रूप में, आप कितने रुपए की संपत्तियां दी, 25,000 की। फर्म में सी का ख्याति का हिस्सा कितना निकाला, 5,000, तो प्रीमियम ऑफ गुडविल कितनी आ गई, 5,000। 25,000 में से 5,000 अगर गुडविल का पैसा है तो बैलेंसिंग फिगर से हमने निकाल लिया सी की पूंजी कितनी आएगी, 20,000 रुपए। तो इस प्रश्न के अंदर यही महत्वपूर्ण बिंदु था, यह 3 नंबर का प्रश्न बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है। अब बात आ रही है कि सी के हिस्से की जो ख्याति है वो किसमें बांट देंगे, त्याग करने वाले पार्टनर्स में। इस प्रश्न के अंदर आपको कहीं पर भी यह नहीं दे रखा कि सी अपना हिस्सा किससे प्राप्त करता है। तो ऐसी स्थिति में मैंने आप लोगों को समझाया है कि सी अपना हिस्सा
पुराने साझेदारों से पुराने अनुपात में प्राप्त करेगा। तो त्याग अनुपात भी क्या होगा, पुराना अनुपात ही त्याग अनुपात होगा। तो सी के हिस्से की रकम 5000 रुपए हम आपके ए और बी में बांट दें, इनके पुराने अनुपात में यानी यही त्याग का अनुपात होगा 3:2। तो 5000 को अपने बांट दिया 3:2 में, 3000 रुपए। तो इस प्रकार से आपको यह प्रश्न सोल्व करना था। यह भी आपके कौन सा गत बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ प्रश्न है। एक और प्रश्न देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंपोर्टेंट है। एल एन फर्म में पार्टनर्स ने 3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं, वे सी को लाभों के 1/5 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश देते हैं। सी अपना हिस्सा एल एन से 2:1 के अनुपात में प्राप्त करता है। यहां पर एल और एन जो पुराने पार्टनर्स हैं किस अनुपात में त्याग करते हैं, ये क्वेश्चंस में आपको दे रखा है। सी अपने हिस्से की पूंजी 50,000 रुपए नगद लाता है। सी के प्रवेश की तिथि को फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 60,000 रुपए किया। इसका मतलब सी ख्याति की रकम नगद नहीं ला रहा, क्योंकि ख्याति के संदर्भ में कोई सूचना नहीं है। तो हम यही मानेंगे कि सी अपने हिस्से की ख्याति की रकम नगद नहीं ला रहा है, क्योंकि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन करके दे दिया है प्रवेश के समय। और पुस्तकों में ख्याति खाता पुराना कितना विद्यमान है, 25,000 रुपए से। किस प्रकार से जनरल एंट्री करेंगे हम लोग, जनरल का प्रारूप बनाएं, फॉर्मेट आप सभी को पता है। सबसे पहले पूंजी नगद लाने की एंट्री कर दें, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये 50,000 रुपए की पूंजी व्यापार में नगद लेकर आया है। अब बात आ रहा है कि सी अपने हिस्से की ख्याति नगद में नहीं लाया, तो उसकी ख्याति का हिस्सा कैसे निकालें। फर्म की ख्याति में उसका हिस्सा कितना है, 1/5। तो फर्म की ख्याति में सी का हिस्सा अगर 1/5 है, तो 60,000 का 1/5 यानी कितने रुपए की ख्याति आ जाएगी, 12,000 रुपए की ख्याति में सी का हिस्सा आ जाएगा। अब बात आ रही है कि सी ख्याति की रकम नगद नहीं ला रहा, तो आपको ये मैंने गत वीडियो में भी समझाया है कि जब भी साझेदार ख्याति की रकम नगद ना लाए तो हम सी का चालू खाता पुस्तकों में खोलेंगे देनदार के रूप में, उसको देनदार बनाया जाएगा इस रकम से। और ये करंट अकाउंट इसलिए खोला जा रहा है ताकि ये ख्याति की रकम उसके चालू वर्षों के आपके आय में से हम आपके कौन सा समायोजित करेंगे। इसलिए पुस्तकों में कौन सा अकाउंट खोला जाएगा, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू आपके कौन सा एल कैपिटल टू एन कैपिटल अकाउंट। पुराने साझेदारों में सी के हिस्से की ख्याति बांटेंगे उनके त्याग अनुपात में, जो कि क्वेश्चन में स्पष्ट तौर पर दे रखा है 2:1। इसलिए 12,000 रुपए की ख्याति से सी का हमने चालू खाता खोला, उसको देनदार बनाया इसलिए उसको डेबिट कर दिया, और यह ख्याति की रकम पुराने साझेदारों को उनके त्याग अनुपात में बांट दें 2:1 में। तो एल कैपिटल एन कैपिटल में ख्याति की रकम बांट दी जाएगी। अब प्रश्न आता है कि पुस्तकों में ख्याति खाता पुराना दे रखा है, तो पुराना ख्याति खाता आपको समझा दिया है कि ये जब भी आपको प्रश्न में दे तो इसको तो आपको बंद कर देना है। पुराने पार्टनर्स में आपके पुराने अनुपात में इसे बांटकर बंद कर देना है। इस खाते का कौन सा शेष होगा, ये संपत्ति पक्ष में होगा इसलिए डेबिट बैलेंस है, बंद करने के लिए इसको क्रेडिट करेंगे, और पुराने साझेदारों को डेबिट कर दिया जाएगा उनके पुराने अनुपात में 3:2 में। तो एंट्री हो गई एल कैपिटल अकाउंट डेबिट एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कितने रुपए से, 15,000-10,000 से आपकी कौन सा ये प्रविष्टि हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये जनरल प्रविष्टियां देनी है, प्रश्न में दी गई कंडीशंस को समझना है। अगर आप ये ढंग से समझ लेते हैं तो मैं समझता हूं कि फिर प्रविष्टियां करने में दिक्कत नहीं आएगी। एक और प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एल एन एक फर्म में पार्टनर्स हैं 3:2 के अनुपात में, सी 1/5 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश देते हैं। सी अपना हिस्सा एल एन से समान अनुपात में प्राप्त करता है 1:1 में। तो पुराने पार्टनर का त्याग अनुपात पता पड़ गया 1:1। सी पूंजी के रूप में 50,000 रुपए नगद लाता है, ये पता पड़ गया। सी अपने ख्याति के 12,000 रुपए में से 8,000 रुपए नगद लाया, देखो ये आंशिक राशि नगद में लाया है, यानी कुछ रकम बकाया है और कुछ नगद में लाया है। तो इसमें दोनों ही ट्रीटमेंट होंगे, नगद गुडविल लाने का भी ट्रीटमेंट होगा और उधार गुडविल जो होती है उसका भी ट्रीटमेंट आपको करना है सम्मिलित रूप में। तो 12,000 रुपए की कुल ख्याति है, ये आप समझ लें, 12 में से 8 नगद लाया और 4,000 रुपए की आपकी ख्याति की रकम बाकी है। तो जो बाकी है उससे कौन सा अकाउंट खोलेंगे, चालू खाता खोला जाएगा, ये आप लोगों को याद होना चाहिए।
फिर आपको क्वेश्चन में रखा है कि पुस्तकों में ख्याति खाता कितना विद्यमान है, पुराना 25,000 रुपए, पुराने सायदार ख्याति का आधा हिस्सा निकाल कर ले जाते हैं, पार्टनर्स को ख्याति में जो हिस्सा मिलेगा वो उसका आधी रकम व्यापार से निकाल कर ले जाते हैं। तो इन सभी परिस्थितियों में प्रविष्टियां किस प्रकार से करें, जनरल का प्रारूप बनाएं, सबसे पहली एंट्री करें पूंजी नगद लाने पर और ख्याति में 8,000 रुपया नगद लाने पर, पूरी ख्याति नगद नहीं ला रहा केवल 8,000, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 50,000 रुपए, और जो नगद ख्याति ला रहा है 8,000 रुपए उससे प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट को क्या कर देंगे क्रेडिट, ये नगद ख्याति की रकम है। अब ख्याति को बांटने की जब आप प्रविष्टि करेंगे तब आप यहां पर सम्मिलित प्रविष्टि कर दें, जो नगद ख्याति है 8,000 रुपए उससे प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट करें, और जो 4,000 रुपए की ख्याति नगद नहीं लाया उससे सी करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, सी का चालू खाता खोला जाएगा बकाया रकम 4,000 से। अब कुल ख्याति की रकम कितनी हो गई, 12,000। ये ख्याति की रकम किसे प्राप्त होगी, जिन्होंने त्याग किया, त्याग किसने किया, एलएन ने, किस अनुपात में किया, समान अनुपात में, तो ये 12,000 रुपए की ख्याति की रकम एल और एन के अंदर समान अनुपात में बांट दें, 6,000 रुपए। तो इस प्रकार से पुराने पार्टनर्स के बीच में हम ख्याति की रकम इस प्रकार से बांटेंगे। अब यहां एक बात और समझनी है कि पुराने पार्टनर्स को जो ख्याति में हिस्सा मिला ये इसकी आधी राशि व्यापार से निकाल कर ले गए, तो एंट्री हो जाएगी एल कैपिटल अकाउंट डेबिट एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने रुपए से, 6,000 रुपए से। तो ये अपना हिस्सा व्यापार से निकाल कर ले गए हैं, तो इस प्रकार से आपको ख्याति निकालने की प्रविष्टि करनी है। अब एक प्रविष्टि और होगी पुराना ख्याति खाता बंद करने की, जनरल का टोटल लगा दें, बैलेंस जो आ रहा है उसको टोटल कैरी फॉरवर्ड करें नेक्स्ट पेज पे, ये आपको सब आता है, 11th में हम लोगों ने काफी डिटेल से पढ़ा हुआ है। तो आपके इस ओपनिंग बैलेंस को सबसे पहले मेंशन करें जो पीछे से लाया गया, उसके बाद पुराना ख्याति खाता पुराने पार्टनर्स में पुराने अनुपात में बांट दें, एल कैपिटल अकाउंट डेबिट एन कैपिटल अकाउंट डेबिट पुरानी ख्याति गुडविल 25,000, किस अनुपात में बांटा, पुराना अनुपात 3:2 में, इनका पुराना अनुपात कितना था 3:2, इसके अंदर आपके कौन सा बांट दी जाएगी। तो ये बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 नंबर का प्रश्न आया हुआ था जो आप लोगों को मैंने यहां पर बताया, इसकी भी परिस्थिति हो गई। अब एक और बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है उसको भी अपन देखते हैं किस प्रकार से अपन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कहा है, प्रश्न छोटा है परंतु बहुत खतरनाक है, जरा देखें। LMN एक फर्म में 2:1 के अनुपात में साझेदार हैं, वे निर्णय करते हैं कि भविष्य में N को 1/4 आपके 4 लाभों में हिस्सा मिलेगा। देखो पुराने पार्टनर्स अपने लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन कर रहे हैं, कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा है, और आपको पता होना चाहिए कि जब भी लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होगा तब तक ख्याति का समायोजन आपको करना रहता है। अब ये लाभ हानि अनुपात चाहे पुराने पार्टनर्स ही चेंज कर रहे हों या नए पार्टनर्स के आने के कारण चेंज हुआ या रिटायरमेंट के कारण से हुआ या किसी की डेथ के कारण से चेंज हुआ, सभी परिस्थितियों में जब भी लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होगा ख्याति का समायोजन करना है। तो यहां पर LMN 3 पार्टनर्स हैं, इनका पुराना अनुपात 2:1 का है, ये भविष्य में निश्चित करते हैं कि एन को तो 1/4 देंगे, अब जो शेष बचा वो किसको में बटेगा, एल और एम के अंदर बटेगा। तो इस प्रश्न में सबसे पहले आपको क्या करना है, नया लाभ हानि अनुपात निकालना पड़ेगा, और ये नया अनुपात निकालना मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है, फिर आप इसे समझते हैं किस प्रकार से। प्रश्न में क्या रखा है कि भविष्य में एन को लाभों में कितना हिस्सा मिलेगा, 1/4। तो हम प्रश्न स्टार्ट करें कि माना फर्म का कुल लाभ कितना 1, नई फर्म का नया अनुपात या कुल लाभ कितना 1, इस 1 लाभ में से एन का हिस्सा 1/4 घटाने के बाद शेष लाभ कितना बचा, 1 में से 1/4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3/4। अब ये 3/4 पर किसका अधिकार है, एल और एम का अधिकार है, ये दोनों में किस अनुपात में बांटें, क्वेश्चन में कोई सूचना नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि ये इनके पुराने अनुपात में बांट दें 2:2 में, 3/4 LM में 2:2 में बांटेंगे, ऐसा आपने निर्णय किया क्योंकि प्रश्न में कोई स्पष्ट सूचना नहीं है, और इस आपके निर्णय का आपको प्रश्न उत्तर में उल्लेख करना होगा,
ये जो लिखा है इस प्रकार से स्पष्ट आपको लिखना पड़ेगा। शेष लाभ एल एम में सूचना के अभाव में पुराने अनुपात 2:2 में आपके या 1:1 में बांटेंगे। इसको और छोटा कर लिया, 1:1 यानी 3/4 का आधा एल को मिलेगा, आधा एम को मिलेगा। तो नया अनुपात कैसे होगा, एल का नया हिस्सा कितना है 3/4 का आधा यानी 3/8, एम का भी हिस्सा कितना है 3/4 का आधा 3/8, और आपने एन को तो पहले ही निश्चित कर रखा है कि उसको कितना मिलेगा 1/4। अब ये तीनों अनुपातों को हम लोग कौन सा समान कर लें, समान करने के लिए अपन 8 का एलसीएम ले लिया और अनुपात क्या बन गया 3:3:2। ये इनका नया अनुपात आया, पुराना अनुपात क्या था इनका 3:2:1 और नया अनुपात क्या बना 3:3:2। अब ये निकल जाने के बाद आपको क्या करना है, ये ज्ञात करना है कि इस लाभ हानि अनुपात के परिवर्तन के फलस्वरूप किस पार्टनर्स को लाभ हुआ और किस पार्टनर्स ने क्या किया है, त्याग किया है। तो अब साझेदारों का लाभ व त्याग का अनुपात हम लोग ज्ञात करेंगे। हमने नया लाभ हानि अनुपात निकाल लिया है, इसी के आधार पर अब ज्ञात करेंगे अपन लाभ व त्याग का अनुपात। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, इससे साझेदारों का त्याग व लाभ का अनुपात ज्ञात होगा। किस प्रकार से, जरा देखें, एल का पुराना अनुपात दे रखा है 2/5, 2/5 और नया अनुपात है 3/8, यानी 2/5 माइनस 3/8 अपन करें तो एल का हिस्सा जो शेष बचा वो सकारात्मक शेष है यानी प्लस बैलेंस निकला है 1/40। इसका ये मतलब हुआ कि एल का पुराना अनुपात नए अनुपात की तुलना में ज्यादा है, यानी एल का लाभ में हिस्सा अब पहले की तुलना में कम हो गया, कितना 1/40। इसका मतलब एल ने क्या किया है, त्याग किया है यानी सैक्रिफाइस किया है। तो ये एल का त्याग अनुपात है। इसके बाद हम एम का अपन कौन सा इसी प्रकार से देखें, एम का पुराना अनुपात दे रखा है 2/5 और नया अनुपात दे रखा है आपके कौन सा 3/8, तो इसका भी जो त्याग का अनुपात आ रहा है वो कितना आ रहा है 1/40, क्योंकि एम का भी पुराना अनुपात ज्यादा था, नया अनुपात कम है, तभी सकारात्मक शेष बचा है। इसका मतलब एम ने भी त्याग किया है। अब बात करते हैं हम कौन सा एन की, एन का पुराना अनुपात दे रखा है 1/5 और नया अनुपात दे रखा है 2/8। अब इसके अंदर जो शेष निकला है वो आपके नेगेटिव बैलेंस निकला है -2/40। ये -2/40 का अभिप्राय क्या समझे हम, एन का पुराना अनुपात 1/5 नए अनुपात की तुलना में कम है, यानी एन को पहले की तुलना में लाभ ज्यादा मिलेगा, तो इसको तो क्या हो गया लाभ 2/40 का, और L और M ने त्याग किया है। और इसको अपन इस तरीके से भी समझ लें कि L M ने जो त्याग किया है वही किसको प्राप्त हो रहा है, N को प्राप्त हुआ है। जब इस प्रकार की परिस्थितियां हो कि साझेदारों ने लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन किया हो तो कुछ साझेदारों को त्याग करना पड़ेगा और कुछ को क्या होगा लाभ। जिनको लाभ हुआ है वो ख्याति की रकम त्याग करने वाले साझेदारों को देंगे। तो यहां पर N ख्याति की रकम देगा किसको, L और M को, किस अनुपात में या किस रेशो से, वो अनुपात है 1/40 1/40। तो इसका मूल्य क्या है, ये किस प्रकार से कैलकुलेट करें, इसको ऊपर अब समझते हैं कि इस आपके त्याग का या लाभ का मूल्य क्या होगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे फर्म की पुस्तकों में मूल्यांकित की गई ख्याति से, यानी जो कि कितने रुपए मूल्यांकित करी है 80,000 रुपए। तो इसको किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे जरा देखें, इसमें आपको ये लिखना पड़ेगा इसके अंदर कि लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर ख्याति का समायोजन साझेदारों के पूंजी खातों में लाभ व त्याग के मूल्य के आधार पर करेंगे। फर्म की ख्याति का मूल्य 80,000 रुपए आपके किया गया, तो इसी के आधार पर लाभ का और त्याग का मूल्य ज्ञात करेंगे। इनका जो त्याग का अनुपात अपन ने निकाला उसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन ख्याति के मूल्य से। तो एल ने त्याग किया था 1/40, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 80,000 से, तो एल के त्याग का मूल्य कितना आ गया 2,000 रुपए।
इसी प्रकार से एम ने त्याग किया 1/40, 80,000 से मल्टीप्लाई करने पर उसके त्याग का मूल्य कितना आ गया, 2,000 रुपए। और एन को लाभ हुआ था तो इसके लाभ का मूल्य भी 80,000 से मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, कितने रुपए, 4,000 रुपए। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी सहायदार विद्यमान सहायदार लाभहानि अनुपात में परिवर्तन करें तो इस परिवर्तन के स्वरूप खाती का समायोजन करना पड़ेगा। और इस समायोजन के लिए आपको मैंने प्रविष्टि बताई थी, गेनिंग पार्टनर्स को हम डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे। क्योंकि गेनिंग पार्टनर्स ख्याति का ये मूल्य किसको देंगे, त्याग करने वाले साझेदारों को। तो जब आप जनरल प्रविष्टि करेंगे तो उसके अंदर ये जो गेनिंग पार्टनर्स है एन, उसको क्या किया जाएगा, डेबिट, क्योंकि ये ख्याति का रकम देगा, कितने रुपए, 4,000। और किसे प्राप्त होगी, एल और एम को, जिन्होंने क्या किया है, त्याग, और कितना कितना प्राप्त होगा, 2,000 रुपए। तो इस प्रकार से ख्याति का आपको समायोजन करना पड़ेगा। अगर विद्यमान साझेदारों ने लाभ हानि अनुपात में क्या किया है, परिवर्तन किया है। तो अब इसमें एक और प्रश्न था कि फर्म की पुस्तकों में ख्याति खाता विद्यमान दे रखा है, पुराना ख्याति खाता अगर दे रखा है 20,000 रुपए का, तो इनके पुराने लाभ हानि अनुपात में बांट दें। इनका पुराना अनुपात क्या था, 2:2:1। इसके अंदर ये तीनों पार्टनर्स के अंदर 20,000 रुपए ने बांट दिए, 8,000, 8,000, 4,000 रुपए। तो ये पुराना ख्याति खाता बंद कर दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब भी पुस्तकों में पुराना ख्याति खाता देगा तो किसी भी परिस्थिति के अंदर आपको सबसे पहला काम यही करना है कि पुराना ख्याति खाता पुराने पार्टनर्स में पुराने अनुपात में बांटकर बंद कर देना। तो ये अपन ने यहाँ पर ये प्रविष्टि इसकी कर दी। तो इस प्रकार से इसमें आपके दो ही प्रविष्टियां आपको करनी थी, ख्याति के समायोजन से संबंधित, पुराना ख्याति खाता था उसको बंद कर दिया, और नई ख्याति के मूल्य को कैलकुलेट करके हम लोगों ने एंट्री कर दी, गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो नए साझेदार के प्रवेश के समय और विद्यमान साझेदार अगर लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन करें तो ख्याति को लेकर जो परिस्थितियां बनती हैं वो लगभग मैंने इस वीडियो में आपको सभी बता दी हैं। इसके अलावा कोई और परिस्थिति इस आपके विषय से संबंधित नहीं बनती है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, ये नेक्स्ट वीडियो है आपके कौन सा, संपत्ति दायित्व का पुनर्मूल्यांकन, यानी पुनर्मूल्यांकन खाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट, नए साझेदार के प्रवेश पर या फर्म के लाभहानि अनुपात के परिवर्तन होते ही फर्म की संपत्ति दायित्व का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, और इसके प्रभाव को मूल्यांकित करने के लिए जो खाता बनाते हैं वही कहलाता है पुनर्मूल्यांकन खाता। इसी को लेकर विस्तार पूर्वक मैंने आपके कौन सा नेक्स्ट वीडियो बनाई है कि किस प्रकार से अपन पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे, इसकी क्या प्रकृति होती है, इससे संबंधित क्या जनरल प्रविष्टियां होंगी, या इसका पुस्तकों में किस प्रकार से लेखा करेंगे, ये समस्त प्रश्न इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो जरूर से देखें, और जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो भी आपकी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक यू।